हेलो गाइस, स्वागत हो गया आप लोगों का एक और माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए एक काउ फार्म यानी लेदर फार्म। तो सारा सामान मैंने इस चेस्ट में रख दिया है, यही बनाएंगे अपन लोग लेदर फार्म। तो हमें चाहिए कुछ ग्लास, कुछ हॉपर्स, थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक, ऑब्जर्वर्स, लावा की बकेट, एक लीवर। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हॉपर लगाएंगे चेस्ट के पीछे, फिर लेंगे ग्लास और ग्लास को रखेंगे क्राउच करके, ठीक है, यहाँ पर एकदम ऐसे। फिर साइड में लगाएंगे एक बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे, और इसके आगे से लगाएंगे एक ग्लास। सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे। फिर हॉपर के ऊपर चढ़ेंगे और तीनों तरफ से बढ़ा देंगे, दो तरफ से बढ़ाएंगे और एक तरफ रखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वर ऐसे अंदर की तरफ फेस करता हुआ। इसमें लगेंगे लावा बकेट, फिर यहाँ से ये बिल्डिंग ब्लॉक तोड़ देंगे। फिर पीछे की तरफ एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा के अपना स्टोन ब्रिक लगाना है। यहाँ पे स्टेयर केस बना देता हूँ मैं ताकि ऊपर चढ़ सकूँ मैं आराम से। अब यहाँ पे लगभग दो की हाइट रखनी है जो हॉपर है हमारा उधर से। तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगेगा ऐसे और फिर इसके पीछे लगाएंगे एक ऐसे। हम ऐसे एक एक हाइट पर उठा देंगे, एक ऐसे एक लगेगा डिस्पेंसर के ऊपर और इनको साइड से खींच देंगे थोड़ा सा। तो इन दोनों को, दोनों तरफ की वॉल को एक एक हाइट पे और उठा देते हैं, मतलब टू टू हाइट की वॉल हो जाएगी, टू टू ब्लॉक्स की। और एक ब्लॉक रखना है हमें अपने ग्लास के ऊपर। ठीक है, सही यहाँ पर। अब हमें इस ब्लॉक पे जाना है एकदम यहाँ पर। तो चलो अब इन दोनों को साइड से और खींचना है। एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। अब इनको भी टू टू ब्लॉक की हाइट पे रख लेते हैं।
सो हमें वो लास्ट वाला जो एक गैप है ना वो छोड़ना है ताकि हम काउस को अपने नीचे गिरा पाए। बाकी हमें सारी तरफ स्लैश लगा देना है। मेरे पे अभी इतने स्लैब्स हैं और बना लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, 6 काफ़ी रहेंगे, काफ़ी नहीं यार, इनफ हो जाएंगे आई थिंक। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे और एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हो गए स्पॉन प्रूफ। और एक इधर इधर रह गया, चलो कोई बात नहीं, हम आगे लगा देंगे। पहले हम इधर से ये तोड़ देते हैं वाले स्लैब, ताकि आराम से काउस वगैरह ला पाए। वो मैं बताता हूँ किस लिए तोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगेंगे थोड़े से। अरे सही में, तो यहाँ पे लगेंगे थोड़े से फेंसेस, तो उस वजह से मुझे तोड़ने पड़ेंगे। ये वाला भी तोड़ना पड़ेगा और ये वाला भी तोड़ ही देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल बाद में लगा देंगे, कुछ कर नहीं है। साइड में लगाते हैं अपन डर्ट, ताकि एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर टाइप हो जाए। अब मैं जल्दी से एक रास्ता बना के लाता हूँ, डर्ट से बनाना पड़ेगा फिलहाल, तो टेम्परेरी ब्लॉक से ही बनाएंगे रास्ता बना के। गाँव डाल के मिलता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो भाई बड़ी मुश्किल से डाल दिए यार, ये लोग अंदर भी नहीं जा रहे थे। मैंने ब्रीड कर करके डाला, मतलब एक को ब्रीड किया फिर वो कपल अंदर गया, तब जाके ऐसे कर करके डाला है मैंने बड़ी मुश्किल से। तो चलो बाकी जो बचे हुए हैं उनको जल्दी से बंद कर देते हैं और थोड़े और फार्म बना देंगे यहाँ पे बाद में कभी। अभी तो इन्हें कैद कर देते हैं फेंस के अंदर। अब जल्दी से ये रास्ता तोड़ के मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जो रेड वाला बटन है उसको दबा के ग्रे कर दो, और लाइक करो वीडियो को। तो भाई रात हो गई है तोड़ते तोड़ते, तो जल्दी से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और सुबह हो चुकी है, तो जल्दी से अब ब्रीड करते हैं, मतलब एक सेक्शन बना देते ताकि वो ऊपर भी ना आ पाए और कूद ना पाए। मतलब बेसिकली दो ब्लॉक से अगर हम पानी डालेंगे उधर, तो जो पीछे की डिस्टेंस लगा है वो पानी के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ब्रीड किया था, तो दो काऊ के क्या बोलते हैं ना, अभी तो हम बछड़े बोलेंगे, हमें पता नहीं। ये अभी नीचे है, यहाँ से लीवर लगा देते हैं इधर। पहले एक वाटर बकेट डाल देते हैं, मेरे पे एक ही पड़ी है, मैं लाना भूल गया सॉरी, तो अपनी डाल लेता हूँ। और इसमें लगाते हैं लीवर, अब इसको चला देंगे तो ये लोग आराम से ब्रीड हो सकते हैं। मतलब बेसिकली जो ब्रीड होके जो चाइल्ड आएंगे वो सारे एक ब्लॉक के गैप से नीचे आ जाएंगे, और फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर हम लावा यहाँ से लगा देंगे उन पर, तो हमें लेदर और कुक्ड मटन मिल जाएगा। सिंपल एज डेट, सभी कर देते हैं बंद। यहां से इसे हटा देते हैं, अब लगा देते हैं इधर स्लैब।
मतलब ये बच गया है तो इसको हम कर देंगे बाद में, यह भी कर देता। चलो स्टोन भी तो नहीं कहा है। जल्दी से न रखते हैं और निकालते हैं। कुछ ज़्यादा ही बन गए पर कोई बात नहीं, इतने चलेगा, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक लगा देते हैं, ये हो गया ख़त्म। सो अब लगानी हमें फेंस ताकि जब हम पानी चलाएं तो ये ऊपर ना आ पाए, मतलब बाहर ना आ पाए। एक फेंस लगा देंगे यहाँ पे और एक लगा देंगे यहाँ पे और अभी से पीछे वाले को तोड़ देंगे। तो ये लगभग कंप्लीट है, ब्रीड करके देखना है कैसे ब्रीड होंगे ये लोग। एक नज़र आई बार देखनी है, ऐसे दिख रहा है कि यहाँ से तो नीचे जाना पड़ेगा। चलो पानी चला दिया है, अब जो भी बेबीज हैं वो सारे आगे अंदर आ जाएंगे। देखो वो रहे, एक तो बड़ा भी हो गया भाई। चलो जल्दी से अब बेबीज बनाते हैं इनकी और अपन को मिल जाएगा लेदर फार्म, तैयार हो चुका है लगभग। ऐसे कर देते पानी को बंद। और इधर आके देखेंगे तो बहुत सारे बेबीज यहाँ पर है, एक बड़ा भी हो चुका है, तो मैं चला के दिखाता हूँ बाद में, मैं और कर दूंगा। देख रहे हो ना कितने सारे आ गए, तो चलो चला के देखते हैं। हमें एक बार चला के बंद करना, फिर दूसरी बार चला के बंद करना। सारे मर गए, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एदर, पर फूड तो आया नहीं, जल गया क्या? अरे भाई चलो, तो भाई इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोग भी ये फार्म अपनी वर्ल्ड में बनाओगे, अगर बनाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।